अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चन के मतलब है। उनके पास एक डाटा है जिस पे उनको उनके पास एक ही पॉइंट में दो डिफरेंट एलिवेशन के पॉइंट हैं, ठीक है, जबकि वो वर्टिकल जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब सेम पोजिशन में एक्स वाई में उनकी जो पोजिशन है वो सेम है, जबकि जेड पोजिशन में उनका कुछ एलिवेशन डिफरेंस है। तो जब वो सरफेस बनाते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। ये सरफेस आपका प्लान व्यू में भी हो सकता है और क्रॉस सेक्शन में भी हो सकता है। तो इसको ये यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वर्टिकल ऑफसेट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी अलाइनमेंट है, और इसके साथ जो उन्होंने डाटा शेयर किया है वो यहाँ पे स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन का डाटा है और OGL का डाटा है। तो हम अपनी इसमें सबसे पहले ओरिजिनल ग्राउंड की जो है वो सरफस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सरफस बना देता हूँ, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड, ओके, और यहाँ पे हम इसको कोई स्टाइल असाइन कर देते हैं, ओके। यहाँ पे ये जो है एम्प्टी सरफेस आ गई हमारी, यहाँ पे इसको हम मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे, और इसमें अपना जो है 0.5 का डाटा ऐड करते हैं। यहाँ पे ये जो है ये NSL की फाइल है, ओके, और यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है। जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फाइल जो है यहाँ पे प्लॉट हो गया, डाटा प्लॉट हो गया। इसका ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलेशन है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ओके। अभी इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे प्लान व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अभी हमने अपना दूसरा डाटा इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डाटा जो है स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन के फॉर्मेट में है यहाँ पे। तो इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का आपने ये विंडो ओपन करना है, और पहले में आपने स्टेशन रखना है, नेक्स्ट स्पेस है सिंगल स्पेस, ओके, फिर ये ऑफसेट की वैल्यू है, फिर सिंगल स्पेस है यहाँ पे, फिर आपने एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन भी आप साथ में रख सकते हैं अगर आपने रखनी हो तो, ओके। और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, ओके, कॉपी, और यहाँ से आपने इसको नोटपैड में पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं इसको सेव एज करता हूँ, और इसको मैं स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन और इसका मैं नेम दे देता हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी सिविल 3D में यहाँ पे हमने ये इंपोर्ट करना है, यहाँ से सबसे पहले आपने अपने पॉइंट नंबर वगैरह और जो भी एलिवेशन वगैरह है उसको आपने सेट कर लेना है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद आपने यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन में जाना है, क्रिएट पॉइंट अलाइनमेंट, और यहाँ पे इम्पोर्ट फाइल जो भी हमने क्रिएट की है, ये वो फाइल है जो भी हमने क्रिएट की, ओपन किया मैंने इसको। यहाँ पे इसका फाइल फॉर्मेट पूछा जा रहा है, तो इस एरो पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्मेट नजर आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला जो फॉर्मेट है ये अभी हमने बनाया, तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करता हूँ। यहाँ पे अभी एंटर डेलिमीटर जो है कि आपका स्पेस है या कॉमा है, तो हमारा स्पेस है, इसमें मैं 1 एंटर करता हूँ। यहाँ पे आपने एक दफा एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपने अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारे पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको आप ग्रुप में भी ले सकते हैं, और एज इट इज जैसे ये हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं इनको। तो अभी इनसे हम अपनी एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू सरफेस। तो इसको मैं जो है वो गैबियन वॉल का नाम दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये वाली जो फाइल है सरफेस है, सॉरी, इसमें अभी जो है हमने जो है ये पॉइंट जो है अभी हमने ऐड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आल पॉइंट में आए हैं यहाँ पे, ओके, आल पॉइंट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 28 पॉइंट है यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, आल पॉइंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो है अभी इन पॉइंट से ये जो है ये सरफस यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक सरफस बनी है टॉप की, ठीक है, जबकि इसमें जो वो जो स्टेप वाला जो रिक्वायर्ड है वो अभी यहाँ पे नहीं बना, हम देखते हैं इसमें बना है कि नहीं बना, ठीक है। तो
इसको जो है इसको भी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ओके, नो डिस्प्ले, पॉइंट सिर्फ रह गए हमारे पास। ओके, अभी हम इस पे अपने सैंपल लाइन क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सैंपल लाइन क्रिएट कर देता हूँ। ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड है हमारा और ये जो है, ओके, इसके आप जो स्टाइल है वो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। ओके, ठीक हो गया, ओके हो गया। और ये हमारा जो है ये फाइनल ग्राउंड है, इसको मैं यहाँ पे गैबियन वाल का नाम दे देता हूँ। और इसका ये जो स्टाइल है वो यहाँ पे मैं, ओके, ये ऐसे रखना है मुझको। ओके, और इसकी थिकनेस जो है यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैं बाय रेंज ऑफ स्टेशन देता हूँ। और यहाँ से ये जो है इसकी विड्थ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं 10 कर देता हूँ, राइट साइड में मैं इसको 20 कर देता हूँ। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं चेंज। ओके, मैं यहाँ पे 10 10 मीटर पे इसको क्रिएट कर देता हूँ और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अभी अगर आप देखें तो ये वाली जो टेक्स्ट है इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं लेयर ऑफ करके। होम टैब, ओके, और ये वाले जो है सैंपल लाइन इसको मैं यहां से सिलेक्ट करके इसका मैं ऑफसेट जो है ओके अभी भी ये इसमें नहीं आ रहा है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। इनफ है ये। ओके, अभी जो है इस पे हमने जो है अपने क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू, ओके, क्रिएट मल्टीपल रोड सेक्शन। ओके, यहाँ पे आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करंट सिलेक्शन। ओके, और यहाँ पे ये जो इसकी ये इसके ग्रिड लाइन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ड्राफ्ट व्यू में नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे ये स्टाइल है, नेक्स्ट, बैंड मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, क्रिएट सेक्शन व्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्शन व्यू तो हमारे बन गए यहाँ पे, मगर वो जो ऑफसेट हमें रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इनका स्टाइल जो है वो डिफॉल्ट स्टाइल ही रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो जो स्टेप था हमारा वो यहाँ पे बना नहीं है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी हम उसके वर्किंग करते हैं कि वो हमने कैसे बनाना है। यहाँ पे अगर हम अपने एक्सेल डाटा को देखें तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास बॉटम के कुछ पॉइंट है और कुछ टॉप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिल्टर असाइन करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो है मेरे बॉटम के पॉइंट है, मैंने इनको सेलेक्ट किया। ये जो पॉइंट है इनको मैंने यहाँ से कॉपी किया, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे जो है वो सिर्फ ऑफसेट के पॉइंट चाहिए, तो मैं इस पर फिर फिल्टर अप्लाई करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे जीरो के पॉइंट नहीं चाहिए, तो ये जीरो वाले जो पॉइंट है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसका फिल्टर खत्म कर देता हूँ। ओके, ये पॉइंट जो है ये अभी मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये भी स्टेशन ऑफसेट के पॉइंट है, तो इनको भी हमें सेम फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा वहाँ ड्राइंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा स्टेशन है, फिर स्पेस है, और फिर यहाँ पे ये ऑफसेट है,
स्पेस है और यहाँ पे ये एलिवेशन है। ओके, ये मैंने इनको यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके, नोट पैड। ओके, यहाँ से मैंने इनको पेस्ट कर दिया, फाइल सेव एज। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा है बॉटम लेवल। ओके, बॉटम एलिवेशन के पॉइंट है ये हमारे, इनको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी आप यहाँ पे सिविल 3D में आ जाएं। ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये वाले जो पॉइंट स्टाइल हैं, ठीक है, ये ऑल पॉइंट हैं यहाँ पे। ओके, इन पॉइंट को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ओके ओके, और यहाँ पे अगर पॉइंट लिस्ट में देखें तो ये हमारे 28 पॉइंट है। ओके, अभी यहाँ पे आपने होम टैब में आना है। ओके, पॉइंट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मैं इसको 50 कर देता हूँ। ओके, आइडेंटिटी जो है 50 से आगे जो अभी पॉइंट क्रिएट होंगे वो हमारे जो है अभी वाले पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे मैं फिर स्टेशन अलाइनमेंट इम्पोर्ट, और यहाँ पे ये हमारे बॉटम के पॉइंट हैं, मैंने इनको ओपन किया यहाँ पे। यहाँ पे आपने विंडो को एक्सपेंड किया तो ये हमारे सेकंड नंबर का है 2। ओके, यहाँ पे 1 और एंटर एंटर, और यहाँ पे आपने अपनी अलाइनमेंट को जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमारे क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप अगर ऑल पॉइंट ग्रुप में जाएं, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके, और पॉइंट लिस्ट में अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ से 50 से 55 जो है वो हमारे न्यू पॉइंट हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक 3D पॉलीलाइन चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपेरेंट कमांड देता हूँ पॉइंट नंबर की। ओके, ड्रा 3D पॉली। ओके, पॉइंट नंबर, ओके, 50 से 55। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी एक पॉली लाइन जो है वो बन गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉली लाइन मैंने क्रिएट की है, यहाँ पे 3D पॉली लाइन हमारी क्रिएट हो गई है। अभी हमने इसको फीचर लाइन में कन्वर्ट करना है। यहाँ से मैंने इसको क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके, एंटर। यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है, मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे अरेज एग्जिस्टिंग एंट्री, जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी फीचर लाइन क्रिएट हो गई है। अभी हमने यहाँ पे जो है अपना वर्टिकल जो है वो स्टेप क्रिएट करना है। तो इसके लिए ये हमारी जो है गैबियन वाल की ये सरफेस लाइन है, तो इसी में हमने इसको ऐड करना है यहाँ पे एज ए ब्रेक लाइन। ऐड पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपने वाल का ऑप्शन लेना है। यहाँ से आपने 0.1, ओके, और यहाँ से अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन पूछी जा रही मुझसे। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसका जो है वो साइड सेलेक्ट किया, हाल एलिवेशन, और यहाँ पे मैंने इसको जस्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि इधर वाली लाइन में क्या चेंज आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ये जो वर्टिकल अपना हमें रिक्वायर्ड था स्टेप, वो यहाँ पे सब में यहाँ पे बन के आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि ये वर्टिकल स्टेप जो है वो आप कैसे क्रिएट हम करें। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये जो फर्स्ट वाले दिन में नहीं आ रहा, वहाँ पे ये फीचर लाइन नहीं है। हम लोग स्टेशन इसका चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी अगर आप इंक्वायरी टूल में जाएं, ये हमारा टूल है, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये 3575 है। ओके, तो 3575, तो यहाँ पे ये 8 है, तो ये 70 है, इस पर नहीं है ये स्टेप, जबकि इसमें आना चाहिए ये स्टेप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।